हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू अर्जन वर्ल्ड चैनल। आप सभी को स्वागत है। आप झासर के साथ हैं अर्जन वर्ल्ड चैनल पे। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट बी हम लोग फिनिश कर दिए थे कंडक्टेंस पे, पार्ट सी का जो है लिंक आपको है। पार्ट सी में हमने फर्स्ट क्लास आपको कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग सिर्फ जिक्र किए थे किसके बारे में, याद होगा वो था सिर्फ गैल्वेनिक सेल के बारे में। ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के लिए IUPAC नोटेशन क्या है। इस पे आधारित सवाल आपको बोर्ड में भी, 12th बोर्ड के पेपर में भी पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। गैल्वेनिक सेल जब आप बनाते हैं तो उसका एक साइंटिफिक नोटेशन होता है कि भाई ये सेल है, ये अगर हमने सिम्बॉल दे दिया तो ये फलना सेल है, ये सिम्बॉल दे दिया तो ये फलना सेल है। मतलब इस तरह से हर सेल का एक एक अपना साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो ये नोटेशन हम कैसे तैयार करते हैं किसी पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल का, इसके लिए कुछ कन्वेंशन है, कुछ रूल है, तो उसको आज हम लोग सीखेंगे और ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं इस पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हेलो बच्चों, तो आज का जो सीरियो सेशन है हम लोगों का, उस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि गैल्वेनिक सेल जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेल होता है आज के दुनिया में, क्योंकि सेल के बिना आजकल की दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं चलेगी, चाहे मोबाइल हो आपका, चाहे इलेक्ट्रिकल गाड़ी हो, चाहे ई रिक्शा आजकल देखते हैं रोड पे चलते रहता है, बहुत सारे डिवाइस कैमरा हो, जो भी चीजें हो उसमें इलेक्ट्रिक का जो सोर्स है, मेन सोर्स, वो धीरे धीरे सेल और बैटरी ही बनते जा रहा है। तो गैल्वेनिक सेल जो है, वैरायटी वैरायटी का गैल्वेनिक सेल होता है, इस सेल का IUPAC एक सिंबॉलिक नोटेशन होता है, साइंटिफिक नोटेशन है ना। उसको लिखने का तौर तरीका क्या है, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन प्रश्न आपको देखिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है, पूछा जाते रहा है, और कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऑप्शन बना के पूछ रहा है। तो आज का वीडियो सेशन है, चलिए आप सभी तैयार हो जाइए कि हम लोग गैल्वेनिक सेल का सेल नोटेशन कैसे करते हैं। तो चलिए लर्निंग मोड में आ जाइए सभी बच्चे। लर्निंग मोड में हम लोग क्या करते हैं बताइए, आपको पेन कॉपी लेके तैयार हो जाते हैं और फिर सुनने के साथ साथ हम लोग बड़ा ही शांत रूप से उसको देखते रहते हैं और फिर सुनते हैं, फिर लिखते हैं। तो लर्निंग मोड में हम लोग आ जाइए सभी बच्चे। तो हम लोग का आज का जो सेशन है, आज का जो हम लोग का क्लास है, टॉपिक है, वो है हाउ टू राइट, क्या बच्चों, हाउ टू राइट IUPAC सेल नोटेशन, यानी IUPAC के तरीका से किसी भी सेल रिएक्शन को, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या कैसे उसका डायग्राम को हम बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या होगा, हमेशा सेल रिएक्शन दिया रहेगा। कैसे पहचानेंगे कि ये सेल रिएक्शन है, तो सेल रिएक्शन में खास बात क्या है कि उसमें रिडॉक्स होगा, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन एक साथ लिखा होगा। तो अक्सर जो होता है, जो सॉल्यूशन में होने वाले आयनिक रिडॉक्स कैटेगरी वाले, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके रिडॉक्स हुआ है, वो अक्सर हम लोग गैल्वेनिक सेल रिएक्शन मानते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। तो IUPAC सेल नोटेशन में सबसे पहले आप पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है ध्यान रखिए। फर्स्ट स्टेप में आपने पूरा सेल रिएक्शन दिया रहेगा, उसको आप दो पार्ट में, रिएक्शन को टू हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, पहला स्टेप डिवाइड सेल रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन, दो हाफ रिएक्शन में आप इसको डिवाइड करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, सपोज एग्जांपल में सबसे सिंपल एग्जांपल है डैनियल सेल, डैनियल सेल के बाद इसके बारे में बच्चों, डैनियल सेल बड़ा सिंपल सेल हुआ करता था, और ये अक्सर आपको लेबोरेटरी सेल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यही सेल को सबसे पहले आपको डिजाइन किया गया, बड़ा सिंपल है डैनियल सेल। डैनियल सेल में होता क्या है कि देखिए, जिंक होता है सॉलिड, और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, और ये रिएक्शन होकर के जिंक सल्फेट में कन्वर्ट होकर के ये कॉपर, यही आपको एक सेल रिएक्शन है। इसी का आपको क्या करना है, IUPAC सेल नोटेशन लिखना है। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इस पूरे रिएक्शन को, जो एक कंप्लीट रिएक्शन है, इसको दो हाफ में डिवाइड करना है। पहला हाफ हो जाएगा द एनोड, पहला क्या होगा बच्चों, एनोड,
और दूसरा क्या होगा द कैथोड। नहीं आप जानते ही हैं एनोड होता है और कैथोड होता है। अच्छा आपको पता ही है एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो एनोड पे हम अक्सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। कौन सा रिएक्शन लिखते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन लिखते हैं? तो कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो अब आप कुछ मत कीजिए, रिएक्शंस देखिए जो मेन रिएक्शन दिया है और उसमें देखिए ऑक्सीडेशन पार्ट कौन है। ऑक्सीडेशन पार्ट में देखिए जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, देखिए जिंक जीरो से प्लस टू गया, तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ये ऑक्सीडेशन पार्ट है। देखिए ऑक्सीडेशन पार्ट में क्या हो गया रिएक्शन, आधा लीजिए जिंक सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो गया जिंक प्लस टू एक्वस और दो इलेक्ट्रॉन, ये आपने हाफ लिख दिया। रिडक्शन पार्ट में क्या है आप देखिए, तो कॉपर देखिए प्लस टू से जीरो चला, रिडक्शन पार्ट में कॉपर प्लस टू जो एक्वस सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस रहता है उसको हम लोग एक्यू लिख देते हैं और फिर ये आपको इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आपको कॉपर में। अब देखिए इसमें दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पार्ट जो है वो क्या है, सॉलिड मेटल है। क्या है बच्चों? सॉलिड मेटल है, सॉलिड मेटल है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इस रिएक्शन को नोटेशन में डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में ध्यान रखिए कि इसमें जो सॉलिड मेटल होगा इलेक्ट्रोड उसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो जिंक सॉलिड लिख दिए, और जो आप रिएक्शन में एरो लिखते हैं वो सेल नोटेशन में वर्टिकल लाइन हो जाता है। लिख दिए वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन सिंगल वर्टिकल लाइन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए इसके बाद जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में है, तो इसको हम लोग इसके बाद यहां पे एक्वस स्टेट लिख दिए, बस हो गया। अब यही सेल रिएक्शन जो आपने हाफ लिखा एनोड रिएक्शन, इसी का ये क्या हो गया, सेल डायग्राम। This is half cell diagram. Any notation? ठीक है। अब इसी तरह से देखिए यहां पे कॉपर है, तो यहां देखिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एरो से पहले कॉपर प्लस टू, ये कहां पे है, प्लस टू मतलब एक्वस सॉल्यूशन में है, तो यहां पे एक्वस लिख दिए। और फिर यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन को हम सेल नोटेशन में नहीं लिखते हैं, सेल डायग्राम पे इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं। तो अब यहां पे क्या करेंगे, ये जो एरो है इसको हम वर्टिकल लाइन दे देंगे और कॉपर ये, तो ये क्या है, ये हाफ सेल रिएक्शन है और ये इसका हाफ सेल नोटेशन है, दोनों लिखा दिया। ये अनदर हाफ सेल नोटेशन हो, अनदर हाफ सेल नोटेशन हो, ओके डायग्राम या नोटेशन जो भी कहिए आप, तो ये दोनों लिख दिया। अब कहता है दोनों में, क्योंकि एक गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल रिएक्शन होता है, दो हाफ सेल होता है, अब दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। इसको आप लिख लीजिए, छाप लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं ताकि बोर्ड थोड़ा छोटा होता है ना। अब दोनों को आपने, दोनों अलग अलग हाफ सेल का डायग्राम बना लिया, एक एनोड सेल डायग्राम और एक कैथोड सेल डायग्राम। दूसरा स्टेप कहता है कि एनोड सेल डायग्राम को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और कैथोड सेल डायग्राम को राइट हैंड साइड लिखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना बच्चों, स्टेप टू में ध्यान रखिए एनोड सेल डायग्राम, कौन सा डायग्राम, एनोड सेल डायग्राम रिटेन इन लेफ्ट हैंड साइड, किधर लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, एंड कैथोड सेल डायग्राम, सेल डायग्राम इन राइट साइड, राइट हैंड साइड। ध्यान रखिए गैल्वेनिक सेल में राइट सेल जब कोई पूछे तो समझ लें कैथोड सेल है, लेफ्ट सेल कोई बोल दे तो समझिए एनोड सेल बोल रहा है। अगर आप बोले कि लेफ्ट सेल क्या है तो एनोड सेल है, राइट सेल क्या है कैथोड सेल है, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए तो एनोड यानी लेफ्ट में एनोड सेल, एनोड सेल में आपने क्या लिखा था, जस्ट लिखा था देखिए जेड एन और ये वर्टिकल लाइन जो एनोड को रिप्रेजेंट कर दिया और जेड एन प्लस टू लिख दिया, और राइट साइड क्या लिखेंगे, कैथोड कॉपर प्लस टू था, एक्वस था और कॉपर लिख दिया। और दोनों को क्या करेंगे, दोनों जो हाफ सेल को आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड लिख दिया, इसको एक डबल वर्टिकल लाइन से ज्वाइंट कर देंगे, डबल वर्टिकल लाइन से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये सावधानी रखिए क्या करेंगे आप, तो बोथ हाफ सेल डायग्राम आर कनेक्टेड विथ डबल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, बस हो गया कंप्लीट सेल नोटेशन। अच्छा एक और सावधानी रख सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको स्मार्ट बनने का अगर इच्छा हो तो
तो कई बार देखेगा, देखिए लेफ्ट साइड जो है ये वर्टिकल लाइन सिंगल, इसके नीचे में नेगेटिव राउंड करके लिख लीजिए, मतलब नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके तरफ जो है आप पॉजिटिव राउंड करते हैं। क्यों? ये इंडिकेट करता है कि कैथोड जो है राइट हैंड साइड ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है नेगेटिव। बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर गैल्वेनिक सेल में ये जो ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग पार्ट और ये जो रिड्यूसिंग पार्ट है, तो हो सकता है कई बार ऑक्सीडाइजिंग पार्ट और रिड्यूसिंग पार्ट क्या है, कोई गैस आ जाए या कोई आयन आ जाए। अभी क्या था, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट और रिड्यूसिंग पार्ट दोनों सॉलिड मेटल है। तो गैल्वेनिक सेल के सेल नोटेशन में दूसरी सावधानी रखा जाता है कि क्या गैल्वेनिक सेल का ऑक्सीडाइजिंग पार्ट और रिड्यूसिंग पार्ट सॉलिड मेटल है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग पार्ट और रिड्यूसिंग पार्ट कोई गैसियस सब्सटेंस है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पार्ट जो है गैल्वेनिक सेल में कोई आयनिक सब्सटेंस है। तीन केस आ जाएगा। यदि ऑक्सीडाइजिंग पार्ट और रिड्यूसिंग पार्ट सॉलिड मेटलिक सब्सटेंस हो, तब तो हमें सेकेंडरी इलेक्ट्रोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉलिड मेटल जो होगा, ऑक्सीडाइज जो हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो सॉल्यूशन में इमर्ज कर जाएगा, डिप कर जाएगा, राइट। लेकिन यदि गैसियस सब्सटेंस हो या आयनिक हो, उस केस में हमें एक प्लेटिनम नाम का या ग्रेफाइट नाम का सेकेंडरी इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है। तब देखिए गैल्वेनिक सेल का आईयूपीएसी सेल नोटेशन तीन केस में हम अपना दिमाग लगाते हैं। केस फर्स्ट, इफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बोथ पार्ट इज मेटेलिक सॉलिड, इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मेटेलिक सॉलिड, देन वी डोंट हैव नीड ऑफ एनी सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, राइट। सेकेंड, इफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बोथ पार्ट इज गैस, देन वी हैव नीड ए सेकेंडरी इलेक्ट्रोड दैट इज प्लेटिनम, तो हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये जो केस है, ये केस कैसा है कि बोथ पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पार्ट इज मेटेलिक सॉलिड, ओके। तो इसको मिटा दें हम लोग। चलिए मिटा देते हैं। अब हम वो केस देखते हैं, तो केस देखिए, इसमें तीन केस हो जाएगा। केस फर्स्ट, फर्स्ट केस बच्चों क्या कह रहा है कि इफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पार्ट्स आर मेटेलिक सॉलिड, क्या बच्चों, मेटेलिक सॉलिड हो, ओके, देन वी डोंट हैव नीड एनी सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, तब हमें कोई सेकेंडरी इलेक्ट्रोड्स लाइक प्लेटिनम या ग्रेफाइट की जरूरत नहीं है। समझ गया बात को? जैसा कि जस्ट एग्जांपल में आपने क्या देखा, यही था कॉपर, देखिए मेटेलिक सॉलिड, कॉपर जिंक सॉलिड, देखिए मेटेलिक सॉलिड है, जिंक प्लस टू एक्वस, देखिए ऑक्सीडाइजिंग पार्ट क्या है, मेटेलिक सॉलिड है, प्लस टू एक्वस कॉपर, देखिए रिड्यूसिंग पार्ट भी क्या है, मेटेलिक सॉलिड है। तो इस गैल्वेनिक सेल के नोटेशन में हमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, हेल्पिंग इलेक्ट्रोड लेने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की हेल्प लेने की जरूरत कॉपर को या जिंक को नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि कॉपर ही रिड्यूस हो रहा है और कॉपर खुद करंट को कैरी करने के लिए सफिशियंट कैपेबल है, तो किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। समझ गए बात को? अक्सर यही होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, सपोज कॉपर, ठीक है सॉलिड, देखिए मेटेलिक सॉलिड है, कॉपर प्लस टू एक्वस, देखिए ये कॉपर का ही ऑक्सीडेशन है, चलिए Ag प्लस एक्वस, Ag सॉलिड, देखिए यहां पे कोई सेकेंडरी या कोई हेल्पिंग इलेक्ट्रोड लेने की जरूरत, यानी प्लेटिनम या ग्रेफाइट लेने की जरूरत नहीं है, यानी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो खुद ही मेटेलिक सॉलिड है, वो खुद ही कैपेबल है करंट को कैरी करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टिविटी शो करने के लिए, यहां पे कोई सेकेंडरी की जरूरत नहीं हुआ। लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, यदि आपको ऑक्सीडाइजिंग पार्ट और रिड्यूसिंग पार्ट कोई गैस आ जाए, तो सेकेंड केस क्या होगा बच्चों, देखिए इफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पार्ट आर एनी
गैस। अब यदि कोई गैस हो जाए, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, यदि कोई गैस हो जाए देन तब हम क्या करेंगे बच्चों, देन वी यूज अब हम यूज करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तब हम यूज करेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एज किस रूप में बच्चों, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, किस रूप में, सेकेंडरी सेकेंडरी इलेक्ट्रोड के रूप में। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, सपोज हाइड्रोजन का नाम सुने होंगे आप। अच्छा, हाइड्रोजन भी कई बार एनोड पे कैथोड पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, सपोज मान लीजिए ये एच प्लस नाम का आयन है जो एक्वस में है, ठीक है, और ये एच प्लस क्या क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये एच टू गैस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसका जो रिड्यूसिंग पार्ट है या ऑक्सीडाइजिंग पार्ट, रिड्यूसिंग पार्ट है ये एच टू गैस है, राइट। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये H प्लस एक्वस ये तो आप लिख ही देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये आप वर्टिकल लाइन दे देंगे, और यहाँ पे जो H2 गैस देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रोड H2 गैस हो गया, लेकिन क्या H2 नॉन मेटल है, और H2 गैस है तो क्या ये सॉल्यूशन में इमर्ज होगा, नहीं होगा, ये सॉल्यूशन में इमर्ज नहीं होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में इमर्ज करने के लिए इसमें एक हेल्पिंग इलेक्ट्रोड की जरूरत है, यहाँ पे प्लेटिनम ले लेंगे, देखिए लिख दिया। तो क्या किए, H2 गैस जो प्राइमरी इलेक्ट्रोड है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, जिसका कि रिडक्शन हुआ है, बट प्लेटिनम बिहेव्स एज रियल बट सेकेंडरी इलेक्ट्रोड गैस है, ठीक है। यहां पे एक इस रूप में है, देखिए यहां पे इसका रिडक्शन हुआ है, प्लस से जीरो में गया है, तो ये एज कैथोड है, किस रूप में है बच्चों, कैथोड, बस कुछ नहीं है। सिमिलरली और देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अपने आप खुद आपको लगेगा, जब सेल रिएक्शन देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि अच्छा यहां वी नीड एनी सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड। वो सपोर्टिंग क्या होगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो बड़ा शांत हो, इनर्ट हो, किसी दूसरे से छेड़छाड़ ना करे, तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन है, प्लेटिनम ही तो है, तो प्लेटिनम का इस्तेमाल कर लेंगे। एक जैसे और देखिए एग्जांपल सेकंड में, जानते हैं जब NaCl का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो NaCl में क्लोरीन जो होता है, क्लोराइड, वो कहां चला जाता है, एनोड पे, क्लोराइड कहां चला जाता है बच्चों, एनोड पे। तो देखिए जैसे क्लोराइड एक्वस, ये क्या किया भाई, ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो व्हाट हैपेंड इन दिस रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन है क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट जो है वो क्या है, गैस है, प्लस सावधान, प्लस आपका क्या हो गया, एंटीना सिग्नल खड़ा हो गया, फिर ओहो अब सर यहां पे आपको प्लेटिनम की जरूरत पड़ जाएगी। तो क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड को पहले यहां पे क्लोराइड लिख दीजिए एक्वस, और बताए थे एरो को हमेशा सेल डायग्राम लिखने में IUPAC वर्टिकल लाइन यूज कर दिया, और यहां देखिए क्लोरीन यहां पे गैस और कॉमा, अगर प्लेटिनम नहीं लिखोगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जैसे तो दूसरा केस आपने ले लिया कि इफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पार्ट आर एनी गैस देन वी यूज, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, सपोज अगर पानी में सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन है, देखिए हाइड्रोक्साइड आयन है राइट, और ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या किया भाई, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये आपको O2 में कन्वर्ट हो गया, क्या लेकर के, तो देखिए ये आपको ऑक्सीडाइज होकर के, और ये कहां पे होता है, एट एनोड होता है, पढ़े होंगे आप, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है किसका, हाइड्रोक्साइड आयन का, कैसे, फोर और प्लस, ये आपको यहां पे हम कंप्लीट रिएक्शन लिख देते हैं आपको, फिर से ये H2O बनेगा और प्लस O2 बनेगा और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए अब आप देखिए यहां पे जो ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है, दिस इज गैस, गैस ठीक है, इसमें हुआ क्या, देखिए OH ये एक्वस आयन है, और यहां से आपने क्या में कन्वर्ट हो गया, O2 गैस। तो क्या O2 गैस सॉल्यूशन में इमर्ज होगा, नहीं होगा, और दूसरा O2 गैस नॉन मेटल है, तो क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, करंट को सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, तो तुरंत हमें नीड होगा किसका, प्लेटिनम का, फट से। तो समझ गया, तो दूसरा केस क्या, इफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पार्ट आर एनी गैस, अगर गैस हो देन वी यूज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एज सेकेंड, क्लियर, दो केस देख लिया, चलिए मिटा दें। तीसरा केस क्या करता है कि यदि गैल्वेनिक सेल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पार्ट कोई आयन, थर्ड केस इफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पार्ट्स आर एनी आयन, क्या बच्चों, एनी आयन, आयन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयन ही रिड्यूस हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रोड का कोई, देन वी यूज, अभी भी हम यूज करेंगे देन We use, क्या यूज करेंगे बच्चों, then we use platinum electrode as second, any help you,
तो कब हम प्लेटिनम या इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे गैल्वेनिक सेल में, जब आपको एहसास हो कि कोई गैसियस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पार्ट है या फिर कोई आयन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए Fe प्लस टू एक्वस, और ये क्या किया Fe प्लस थ्री में एक्वस में कन्वर्ट होकर के, देखिए दिस इज वॉट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग पार्ट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग पार्ट। कैसा पार्ट है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये Fe प्लस टू है ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में, तो इसमें हम लोग फर्स्ट से प्लेटिनम ले लेंगे, प्लेटिनम कॉमा दे दिए, और प्लेटिनम के बाद हम लोग नहीं कॉमा यहाँ पे दे दीजिए, और फिर ये Fe प्लस टू एक्वस, और फिर यहाँ कॉमा दे करके Fe प्लस थ्री एक्वस, यानी सॉल्यूशन में आप दो पार्ट ले लीजिए। तो देखिए हम लोग क्या किया, प्लेटिनम ले लीजिए, तो प्लेटिनम यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। व्हाई दिस इज सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, बिकॉज प्लेटिनम रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है। प्लेटिनम किसमें भाग ले रहा है, सिर्फ इसका काम है सपोर्ट देना, क्या काम करना, सपोर्ट देना। तो रिएक्शन कौन हो रहा है, Fe प्लस टू Fe प्लस थ्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, देखिए आयनिक है, क्लियर। और जैसे दिखाते हैं आपको, ठीक है, मिटा दें, एक एग्जांपल और ले लीजिए। एक बड़ा फेमस रिएक्शन है रिडॉक्स में, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ये देखिए पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस ये एक्वस में है, ठीक है, और ये आपको क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में यानी H प्लस आयन के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn प्लस टू में एक्वस, ये भी है। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना, हाउ मेनी ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन है, जितना ऑक्सीजन उतना वाटर मॉलिक्यूल इधर लगा देंगे और जितना वाटर उसका डबल H प्लस लगाएंगे, बैलेंस हो गया। और ये बैलेंस करना कहाँ सीखे होंगे, रिडॉक्स चैप्टर में 11th में, ठीक है, और हमारे भी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देख लीजिएगा। अब ये आपको क्या है, ये एक गैल्वेनिक सेल का हाफ रिडक्शन पार्ट है बच्चों। कौन सा पार्ट है ये, तो दिस इज रिडक्शन पार्ट। अच्छा बताइए, रिडक्शन पार्ट जो है, रिड्यूसिंग पार्ट जो है गैल्वेनिक सेल का, वो आयन है, क्या है, आयन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो इसको पहले हम लोग MnO4 माइनस लिख दिए एक्वस, कॉमा कर दिए Mn प्लस टू लिख दिए एक्वस, और यहां पे अपलेट सिंपल है, एनी डॉट। चलिए कंक्लूड कर रहे हैं, कंक्लूजन क्या हुआ कि भाई अगर हम गैल्वेनिक सेल का सेल नोटेशन करेंगे तो सबसे पहला काम सेल रिएक्शन दिया रहेगा, उसको दो हाफ सेल रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग पार्ट और रिड्यूसिंग पार्ट में आप पहले सेपरेट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, फिर एनोड पार्ट जो होगा ऑक्सीडाइजिंग पार्ट उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, और रिड्यूसिंग पार्ट जो कैथोड पार्ट होगा उसको राइट हैंड साइड लिखिए, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हाफ पार्ट के बीच में डबल वर्टिकल लाइन दे दीजिए, ठीक है। और इसमें सावधानी कि सेकेंडरी इलेक्ट्रोड का हमें कब जरूरत पड़ेगा, यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पार्ट गैस हो या आयन हो तब हमें सेकेंडरी इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सिंपल देखेंगे कि सेल रिएक्शन दिया हुआ है उसका सेल डिजाइन डायग्राम पूछ देता है, कभी कभी सेल डायग्राम दिया हुआ है सेल आपको रिएक्शन पूछ देता है, इसमें दो तरह के संभावना होगा, या फिर कभी कभी सेल डायग्राम दिया हुआ है पूछ देगा एनोड पार्ट क्या है, कभी कभी पूछ देगा कैथोड पार्ट क्या है, इस पे क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, एक नंबर का गारंटी से, ठीक है। तो ये था गैल्वेनिक सेल का IUPAC सेल नोटेशन या सेल डायग्राम कॉन्सेप्ट। अब इस पे हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं राइट, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जब थ्योरी पढ़ते हैं, हम जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें अगर एग्जाम्पल के साथ हम नहीं पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वोलेटाइल होता है, वो उड़ जाता है दिमाग से, ठीक है। तो अब हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, अब एक प्रैक्टिस करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग को सेल रिएक्शन दिया है और सेल डायग्राम बनाना है। देखिए एग्जाम्पल क्या है यहां पे, है ना, राइट सेल डायग्राम, क्या बनाना है बच्चों, सेल डायग्राम, कहां से, फ्रॉम सेल रिएक्शन, किससे बनाना है, सेल रिएक्शन दिया है, सेल डायग्राम बनाना है, यानी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा सेल रिएक्शन और आपको कन्वर्ट करना है उसको सेल डायग्राम में। चलिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में लिखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में जैसे हम लोग एक रिएक्शन लिख दिए, क्या लिख दिए, देखिए कॉपर सॉलिड Ag प्लस एक्वस, कॉपर प्लस टू एक्वस Ag सॉलिड, राइट। देखिए
रिएक्शन को बैलेंस लिखने की प्रथा है, रिएक्शन आपको बैलेंस लिखना पड़ेगा। बैलेंस करना मतलब क्या, कॉपर देखिए जीरो से प्लस टू गया, दो इलेक्ट्रॉन इसको लूज करेगा, तो इसका मतलब Ag प्लस वन से जीरो गया, एक इलेक्ट्रॉन आपको गेन किया, तो इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए दो आयन होना चाहिए बैलेंस, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका सेल डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, सेल डायग्राम, जिसको ही सेल नोटेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखना है ये एनोड लिखना है, व्हाट वी राइट एनोड, और राइट हैंड साइड क्या लिखना है कैथोड लिखना है, ये जरूर है, और दोनों को फिर क्या करेंगे वर्टिकल लाइन से जोड़ देंगे। तो एनोड पहले ढूंढिए कौन है, तो एनोड देखते हैं भाई जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन, तो देखिए कॉपर जीरो से प्लस टू, तो ये है ऑक्सीडेशन, है ना। तो देखिए ऑक्सीडेशन पहले रिएक्शन लिख लीजिए, कॉपर सॉलिड और ये कॉपर प्लस टू एक्वस और टू इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है वो ऑलरेडी मेटेलिक सॉलिड है, गैस तो है नहीं, आयन तो है नहीं कि हमें सेकेंडरी इलेक्ट्रोड चाहिए, इसका मतलब यहाँ सेकेंडरी इलेक्ट्रोड की जरूरत नहीं है। तो फट से क्या करेंगे, कॉपर सॉलिड और ये जो एरो है वर्टिकल लाइन, कॉपर प्लस टू और यहाँ पे एक्वस हो गया। अब चलिए ये तो सॉल्व हुई, राइट हैंड क्या होगा कैथोड रिएक्शन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन में देखिए क्या होगा रिएक्शन में, तो Ag प्लस ये एक्वस में है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये Ag सॉलिड, ठीक है। अब देखिए एरो से पहले जो है ये सॉल्यूशन में आयन है, तो यहाँ एक्वस लिखती है, अब एरो के इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं पता ही है आपको, सेल नोटेशन में इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है मेटलिक सॉलिड इलेक्ट्रोड है, सेकेंडरी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप हो गया। अच्छा बहुत शौक है तो आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो होता है एनोड टर्मिनल होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा ये एनोड नेगेटिव क्यों हो जाता है, ये बड़ा राज की बात है, जबकि आपने पढ़ा होगा आठवीं नौवीं के कॉन्सेप्ट में तो आपके दिमाग में बड़ा सा झटका लगता होगा, सर क्या बोल रहे हैं, सर कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, सर कहीं भूल तो नहीं गए हैं, नहीं बेटा मैं भूला नहीं हूं, मैं गलत भी नहीं बोल रहा हूं। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है उसको नेगेटिव प्लेट मान लिया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उस पे वहां पे पॉजिटिव होता है। तो व्हाई एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ वेरी कॉन्सिक्वेंस एंड दिस इज अ वेरी वंडरफुल इंफॉर्मेशन अबाउट एनोड, उस पे ध्यान देना है आपको, वो हम लोग लेटर किसी क्लास में बात करेंगे, बड़ा ढंग से बात करेंगे जब पोटेंशियल डेवलप की बात करेंगे तो। लेकिन अभी आपको मोटे तौर पर रट्टा मार के रख लीजिए कि गैल्वेनिक सेल में एनोड बिहेव एज नेगेटिव टर्मिनल, झटका लग रहा होगा अभी आपको, है ना, लगना भी चाहिए क्योंकि बचपन से तुम लोग को रटने की आदत हो गई, रटने की आदत हो गई, कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर हम लोग फिसल जाते हैं। सो दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट के साथ अगर किसी चीज को आप रटते हो ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर कॉन्सेप्ट के बिना रटते हो ना तो ठीक वैसे हो गया जैसे कोई अंधे आदमी के सामने आप क्या कर रहे हैं, किसी बहरे के सामने आप बड़ा बढ़िया गाना गाना म्यूजिक सब बजा रहे हैं, उसे क्या पता। तो दैट्स व्हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है एनोड क्या है नेगेटिव, व्हाई एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल, ये हम लोग बात करेंगे कहां पे आगे के कॉन्सेप्ट में। Why cathode become positive terminal? We will discuss it. तो ये देख लिए, तो cell reactions दिया हुआ था, इसका cell diagram बना दिया। इसका just उल्टा भी question बन सकता है। इसका उल्टा भी क्या बन सकता है कि अब cell diagram ही दिया रहेगा और cell reactions लिखने के लिए पूछ लेगा, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन भी बोर्ड डिजाइन कर देता है या कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम भी डिजाइन करता है स्टेटमेंट टाइप का। अभी क्या था सेल रिएक्शन था सेल डायग्राम के, अब क्या करेंगे हम लोग राइट उल्टा कर दिए, सेल रिएक्शन फ्रॉम सेल डायग्राम, किससे बच्चों सेल डायग्राम दिया हुआ है और सेल रिएक्शन लिखना है। चलिए आप एक सिंपल ही लेते हैं, जैसे एक हमने सेल डायग्राम दे दिया कॉपर देखिए ये दे दिया सेल डायग्राम है, ओके। अब आपको सेल रिएक्शन लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पता ही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड दिस इज एनोड और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड जो होता है ये होता है कैथोड और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, जानते ही आप। तो आपको करना क्या है लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये है यानी सॉल्ट ब्रिज जो डबल लाइन है ना इसके लेफ्ट देखना है, ये लेफ्ट हैंड और ये जो डबल वर्टिकल लाइन है इसके राइट देखना है। तो देखिए इसके इधर क्या होगा कॉपर, तो आप क्या करें हाफ रिएक्शन लिख दें कॉपर
और ये ऑक्सीडेशन हो गया है भाई, तो कॉपर प्लस टू एक्वस और दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और चलिए इसके बाद हम लोग इधर देखिए रिडक्शन किसका हुआ है, देखिए यहाँ पे Ag प्लस एक्वस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड। अब दोनों को जोड़ दिए, कैसे जोड़ेंगे, तो दोनों के रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की तरफ लिखेंगे, देखिए इस दोनों को हम ऐड करेंगे अब, तो इसका रिएक्टेंट है कॉपर और इसका रिएक्टेंट है, तो दोनों रिएक्टेंट को एक तरफ जानते हैं कि रिएक्टेंट को हम एक तरफ कॉपर सॉलिड, अब प्लस Ag प्लस एक्वस दोनों रिएक्टेंट, अब इसका प्रोडक्ट है और इसका ये प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट को एक तरफ ले लीजिए दोनों का, कॉपर प्लस टू एक्वस और Ag, कुछ है कोई परेशानी है। अब बैलेंस करना तो आपके हाथ की बात है, दोनों का आपने लिख दिया, तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया है ना, गॉट इट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के नोटेशन से, और कुछ कॉम्प्लेक्स सेल सबके भी बारे में बात करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज़।